क्या हुआ? अभी अभी नाना तशरीफ लाए थे, वक्त आ गया है, जुदाई होने वाली है। अच्छा हुसैन, पहले मदीना से जुदा होगी, यहाँ तक पहुँचे हैं, अब नाना ने जिस लम्हे की तैयारी करवाई है, अल्लाह अल्लाह को अगर यही मंजूर है तो मैं हाजिर हूँ। हुसैन मेरी ड्यूटी क्या है? कल से तो अली का बेटा बनेगी। करबला से जहाँ तक नाना मेरा काम था, वापस हमारा काम है। ज़ैनब देख, दो मेरी अमानतें अपने पास रख लो, एक मेरी सकीना है, एक मेरा बेटा ज़ैनब आबदीन है। सकीना मेरे सीने से लग के सोती है, मेरे दिल की रौनक है, मेरी जान की रौनक है, और मेरे बेटे से मेरी नस्ल चलनी है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इस्लाम अपनी बहन से बातें कर रहे हैं। अच्छा कैसे बहन भाई हैं? एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, कहते भी कुछ नहीं, जब बातें ना मुकम्मल बात कर ली। अब इमाम हुसैन इस्लाम फरमाते हैं, ज़ैनब जरा अपनी कलाइयाँ सामने करो। आपने जो बात किए, इमाम हुसैन ने दोनों कलाइयाँ चूम ली। अच्छा ज़ैनब फरमाती, हुसैन पहले पेशानी चूमते थे, आज कलाइयाँ को चूमना है। रो पड़े, कहते ज़ैनब कल इन कलाइयों में क्या तिरस्कार देख रहा हूँ मैं, अपनी बहन को, पर्देदार बहन की बाजू में क्या पीरस क्या देखता हूँ। ज़ैनब कल से बचन वक्त आने वाला है, वो रात यही रात थी, जवान अपने खेमों में थे, कहते पर्दा पोछ खातून थी, तो सारी रात सोई नहीं, वो कभी किसी खेमे में जाती, कभी किसी खेमे में जाती, जवानों को जमा करती, कहती देखो मेरा नाम ज़ैनब है, मैं गैर धर्म समझती नहीं हूँ, मगर बात हुसैन की है, करबला हम तक पहुंची ना, ये जमाने को पता ही बाद में चला कि सकीना को साथ क्यों ले कर गए, अपनी बेटी को साथ क्यों ले कर गए, क्यों? अगर बीबी ज़ैनब ना होती, करबला हम तक पहुंचती ही ना। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सारी रात तो वादे लेती नहीं, जब किसी रात के पिछले पहर एक लम्हे को थक गई ऊँग आई ना, तो आसमान से सहराए करबला में एक पर्दा पोश खातून नूर के हाले में उतरती है। वो जब सहराए करबला में उतरी ना, अपने रेत में यूँ हाथ मारती है, फिर कोई ना कोई रेजा, कोई ना कोई कैटरी उठा के अपने दामन में जमा करती है, फिर हाथ मारती है, फिर कैटरी दामन में जमा करती है। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को पूछती, बीबी कौन हो, क्या गुम कर बैठी हो, सहरा में तेरा क्या क्या गुम हुआ, क्या तलाश करती हो? उसका तुम नीचे से पर्दा उतारा तो अपने बच्चों की कुर्बान का रही हूँ। यही तो रात थी जब नबी की बेटी शहरा की कुनैन अपने बच्चों की कुर्बान का त्याग करने के लिए आई। मुकाम इमाम हुसैन के इस्लाम ने ये जो आशमी आशम थी ना, तो मेरे हुसैन ने देखा कि यजीद अब्दुल्ला है, तो कहा मैं तमाम तमाम करूँ, अपने घोड़े पे बैठे जा यजीदी लश्कर के सामने खड़े हुए, कहा मेरी बात सुनो, मेरा नाम हुसैन जुबेदी है, जो नहीं जानता मुझे जान ले, क्या तुमने मुझे खत लेके नहीं बुलाया, मैं तुम्हारे कहने पे आया हूँ, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे नबी ने मुझे अपनी जुबान चुसाई है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के कंधों में खेल खेल के जवान हुआ हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे नबी ने फरमाया हसन और हुसैन नौजवान आने जन्नत के सरदार हैं, मगर आंखों पर मफादात की पट्टी है, हुसैन को लोगों ने नहीं पहचाना, करबला के मैदान में दूसरी को नहीं पहचाना। बात समझ ले, अगर हुसैन को नहीं पहचाना तो अगर आज तुझे को नहीं पहचानता, लड़ना झगड़ना कैसा, ये ज़माना है ही ऐसा। ये रात वो थी जिस रात करबला के अंदर एक कयामत की तैयारी हो रही है, और अल्लाह की कसम छः घंटों में, कितने 6 घंटों में
नबी की बेटी की तस्बीह ऐसी निकली कि कोई मोती मिलता नहीं है। फरात के किनारे एक जब नहर के बादल पे पड़े हैं, उधर नहरी सर का सर पड़ा है, वो दो अली अकबर पड़े हैं, इधर कहीं कासम पड़े हैं, वो हुसैन जिसके लिए नबी की बेटी चटियाँ पीस पीस के आटा बना ले रही, जिस हुसैन को पालने के लिए नबी की बेटी के हाथ पे छाले पड़ गए, वो हुसैन ने यार मददगार करबला के सहरा में पड़ा था, खाक चेहरे पे पड़ रही थी, सर बुरीदा लाश है, सर काट दिया गया है, दड़ एक तरफ है, छह जन्मों के बाद हर कोई बैठा है, वो बहने जिनके भाई सुबह साथ थे अब उनके साथ भाई नहीं है, जिनके सुहाग साथ थे उनके सुहाग नहीं है। उजड़ गई हुसैन की कायनात, जैनब अगर उजड़ गया, उजाड़ने वाले कोई गए